मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी साइंस बुक का नंबर 6, फूड आवर बेसिक नीड। फूड मतलब खाना हमारी एक बेसिक नीड है, बहुत आम सी ज़रूरत है। आपको ये डॉट्स को ज्वाइन करके इनको कलर करना है। ये पहली पिक्चर है मैंगो की, कलर विद येलो। सेकंड पिक्चर है बनाना की, कलर विद येलो कलर। नीड फॉर फूड, हमें फूड क्यों चाहिए? वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमें फूड, हम सबको फूड चाहिए जीने के लिए और बढ़ने के लिए, आगे बड़े होने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। इट हेल्प्स अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। ये हमें हेल्प करता है कि हम फिट रहें और हम हमेशा स्वस्थ रहें। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब जो प्लांट्स से हमें फूड मिलते हैं वो देखते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट। हमें ज़्यादातर फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। जैसे दीज फूड्स आर, क्या क्या मिलता है? वेजिटेबल्स, जो हम सब्जियाँ खाते हैं वो हमें प्लांट्स से मिलती हैं। फ्रूट्स, जो हम फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं। सीड्स, जो बीज होते हैं। नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। ग्रेन्स, धान, पल्सेस, दालें, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स से मिलती हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब एनिमल्स से क्या मिलता है? वी ऑल्सो गेट सम फूड फ्रॉम एनिमल। हमें कुछ फूड एनिमल्स से भी मिलते हैं। वी गेट मिल्क, जैसे मिल्क, दूध, एग्स, अंडे एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। हमें ये सारी चीज़ें एनिमल्स से मिलती है। प्रोडक्ट्स, अब मिल्क तो देख लिया हमें, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। अब हम देखेंगे मिल्क से प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। वी यूज़ मिल्क इन मैनी फॉर्म्स, हम मिल्क को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। बटर, बटर बनाने में, मक्खन बनाने में, चीज़ बनाने में, घी बनाने में, कर्ड बनाने में, दही बनाने में, चॉकलेट्स बनाने में, स्वीट्स, मिठाई बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, ये सारी चीज़ें बनाने में हम मिल्क का यूज़ करते हैं। मिल्क मेक्स आर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। मिल्क हमारी हड्डियाँ और हमारे टीथ दोनों स्ट्रॉन्ग बनाती है। मील्स ऑफ अ डे, मील्स क्या है डे की? द फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। जो हम फूड टाइमली करते हैं हम उसे कहते हैं मील। जो हमने मॉर्निंग का टाइम है तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है तो हम लंच करते हैं, और अगर नाइट का टाइम है तो हम डिनर करते हैं। वी ईट 3 meals अ डे, एक दिन में हम 3 meals कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग, लंच, आफ्टरनून में, डिनर, नाइट। गुड फूड हैबिट्स, अब गुड फूड हैबिट्स क्या हैं? थिंग्स दैट वी डू अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड हैबिट्स। वो चीज़ें जो हम बार बार करते हैं तो हमारी उन्हें आदत हो जाती है, तो हम उनको कहते हैं हैबिट्स। हैबिट्स दैट कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी आर गुड कॉल्ड गुड हैबिट्स। जो हैबिट्स हमारे अच्छे के लिए होती है, हमें साफ़ सुथरा रखती है, हेल्दी रखती है, उसे हम कहते हैं गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स को हमें रोज़ फॉलो करना चाहिए। अब देखते हैं फूड गुड हैबिट्स क्या है, मतलब खाना खाने के टाइम पे क्या गुड हैबिट्स होने चाहिए। वी शुड ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डेली, हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स डेली खाने चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें जितना हमारी बॉडी को वाटर चाहिए उतना पानी हमें पीना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रॉम अ क्लीन प्लेट, हमें हमेशा साफ प्लेट में खाना खाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो ये था आपका चैप्टर फूड आवर बेसिक नीड।